पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची हुई है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में धूमधाम से जन्माष्टमी महोत्सव मनाया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर अलियाबाद में जगह जगह भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। नंदघर आनंद भयो जय कन्हैयालाल की गूंज हर तरफ सुनाई दी। अलियाबाद के सर्वेश्वर महादेव स्थित रामलीला मैदान पर बाल एकता संगठन के नेतृत्व में भव्य झांकी और मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता दुर्गेश कलसौधन एवं कार्यक्रम का संचालन आस्था भजन गायक हर्षित लखा ने किया। रात्रि 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया। जन्मोत्सव के उपरांत मटकी फोड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई। मटकी फोड़ प्रतियोगिता में पूरे कामगार बड़ी मंदिर अलियाबाद और बबुआपुर की टीम ने प्रतिभाग किया, जिसमें अलियाबाद की टीम ने प्रथम प्रयास में ही मटकी फोड़ दी। बड़े मंदिर की टीम की दीपक ने पंक्ति में सबसे ऊपर चढ़कर मटकी फोड़ी। मटकी फोड़ प्रतियोगिता में जीती टीम को बाल एकता संगठन टीम द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के समापन पर भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। संगठन के अध्यक्ष दुर्गेश कृष्णोदन ने बताया कि 28 अगस्त से 3 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आदर्श अवध रामलीला मंडल श्रीधाम अयोध्या के कलाकारों द्वारा श्री राम लीला का मंचन भव्य किया जाएगा। कार्यक्रम में हर्षित, अनुज, दयानंद, सचिन, देवेश सहित संगठन के कार्यकर्ता एवं हजारों की संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे। राधे, जय श्री श्याम। मैं दुर्गेश कुमार कसौदन, अध्यक्ष बाल एकता संगठन, आप सभी को सूचित करना चाहता हूं कि 28 अगस्त से 3 सितंबर 2024 रात 8 से 12 बजे श्री रामचरितमानस प्रचारक अंतरराष्ट्रीय खाद प्राप्त आदर्श अवध रामलीला मंडल श्री अयोध्या धाम के कलाकारों द्वारा रामलीला का भव्य मंचन सर्वेश्वर महादेव मंदिर अलियाबाद बाराबंकी में किया जा रहा है, जिसमें आप सभी भाई बंधु, माताएं बहने अधिक से अधिक संख्या में पधार कर कार्यक्रम को सफल बनाएं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राधे, श्री राधे।